पर दोस्तों भाग्य लक्ष्मी का आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा दिलचस्प देखने को मिलता हुआ नजर आने वाला है, क्योंकि दोस्तों ऋषि ने साफ साफ मलिष्का से बोल दिया है कि मलिष्का तुम्हारे इन्हीं कर्मों की वजह से तुम्हारे और हमारी शादी बिल्कुल नहीं होने वाली, जिस तरीका के तुम लगभग कर रही हो और लक्ष्मी को निकालने के लिए यहाँ से जो कह रही हो। हालांकि दोस्तों इस समय लक्ष्मी ने भी अपना बयान जारी कर दिया है और लक्ष्मी ने बोल दिया है कि ऋषि ऐसी बात है तो एक काम करो, मैं उस चीज़ में भी खुश हूँ जिसमें तुम खुश हो, तुम्हारी खुशी मलिष्का के साथ में है, तुम मलिष्का से जल्द शादी करो और खुश रहो, क्योंकि अगर तुम खुश रहोगे तो उससे ज़्यादा खुशी मुझे होगी। आप लोग जानते ही हैं कि लक्ष्मी इस समय घर छोड़ रही है और घर छोड़ने से पहले वो जो कि दादी माँ के पैर स्पर्श करती हुई नज़र आ रही है और साथ में ऋषि के फादर के यानी कि वो अपने बाबूजी के पैर छूने के बाद बोलती हुई नज़र आ रही है कि मुझे माफ़ करना, मैं बेघर बताए इस घर से जा रही हूँ। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कहानी एक नहीं बल्कि इस समय कई अलग अलग ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि इस समय कन्फ्यूजन थोड़ा नहीं बल्कि समय बेहद बड़ा और बेहद रोमांचक कन्फ्यूजन देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ मलिष्का की जो राहें हैं वो इस समय लक्ष्मी को इस घर से निकाल कर रहने वाली हैं और लक्ष्मी के इस घर से निकलने के बाद में ऋषि साफ साफ अपनी मॉम नीलम से बोलता हुआ नजर आने वाला है कि अगर आपको लग रहा है कि तुमने लक्ष्मी को निकालने के बाद में तुम लोग जीत गए हो या तुम लोग मेरी शादी मलिष्का से करा दोगे तो ये तुम्हारे ज़िंदगी की शायद सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि मैं मलिष्का से 1 लाख तक शादी नहीं करने वाला, क्योंकि तुम लोग मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते हो और ये जो तुम कर रहे हो मेरे साथ में ये एक तरीका की ब्लैकमेलिंग ही है। जी हाँ दोस्तों, ऋषि का जवाब बेहद ज़्यादा सॉलिड देखने को मिलता हुआ नज़र आने वाला है। दोस्तों साथ ही आप लोगों के सामने मैं हूँ रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताइए गाइस कैसे लग रही है आपको मेरी वीडियो। थैंक यू सो मच कि आपने मेरे को सपोर्ट किया है। लव यू।